नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछी मु निवेदिता। बुलेटिन आरंभ करबा हाले प्रथमे हेडलाइंस। संबलपुर विश्वविद्यालय रे कर्मचारी को आत्महत्या घटना काही की चरम पदक्षेप नेले दिनबंधु बढ़ुछी संदेह। राजभवन रु कुलपति प्रोफेसर मित्तल को रिपोर्ट तलब। मयूरभंज करंजिया सहर समस्त दुकान बजार दुई दिन जाए बंद। आदि सका 6-28 तारीख संध्या 6 जाए बंद घोषणा। कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी व्यवसायी संघर निष्पत्ति। काकड़पुर मां मंगला मंदिर परिसर में 144 धारा जारी। छामुजात्रा पाई कटकणा जारी कला प्रशासन। आज शेष चैत्र मंगलवार कोविड कटकणे छामुजात्रा पाई निर्देश। युवकों गोड़ाई गोड़ाई हाणला युवक। पूरी ब्राह्मणपाटना गांव में बेभत्स हत्याकांड। पूर्व शत्रुता को केन्द्र कर मर्डर। गड़ीसा गदा पुलिस तदंत जारी। बारीपदार अवहार चलीगला जीवन। बसाई रखिले देनी अक्सीजेन ना डाक्तर आसिले ना नर्स। आखि बुझिले सत्यवान। सेपटे संबलपुर अक्सीजेन कलाबजारी संकीर्ण अभियोग। भयंकर कोरोना राज्य में लगातार 5 दिन है 6000 उपरे संक्रमण। टीका काले कोविन पोर्टाल पंजीकरण। सेपटे घरे भी मास्क पिंधा को कहला केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय। आज सबु सरकारी स्कूल में नाम लेखा मे 31 सुधा सारे को निर्देश। एका सांगे 5+ अभिभावकों स्कूल में प्रवेश मना। आज कर्णाटक 14-दिनिया लॉकडाउन। आज रात 9 लागू हो कटकणा। बढ़ुवा संक्रमण में ब्रेक लगे पदक्षेप। सका 6-10 पर्यंत लोके किपारे आवश्यक सामग्री। कोविड लड़ई में आगरे भारतीय सेना। प्रधानमंत्री और जनरल बिपिन रावत को आलोचना। कोविड मुकाबिलारे ड्यूटी करेंगे सेनार अवसरप्राप्त डाक्तर। लोकों देवे परामर्श। एवं महानदी महालुट। 5 वर्ष होला नदी पठार उठा जाउछि टन टन बाली। सबु जानिबी अजाणिया जिला प्रशासन। बाली खनन उपरे रोक लगाइला एनजीटी। देखिबा अर्गस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आसिबा संपूर्ण खबर को। आज मयूरभंज जिला करंजिया सहर दुकान बजार दुई दिन बंद रहिब। आज सका 6-28 तारीख संध्या 6 जाए बंद घोषणा। कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी व्यवसायी संघ एभली निष्पत्ति नेछि। करंजिया रे कोरोना रोगी संख्या दिनक दिन बढ़िबारे लागिछि। दुई दिन में 3 मुंड गड़ी सारे। गतकाली उपजिलापा सम्मेलनी कक्ष में बणिक संघ सह प्रशासन अधिकारी एक जरूरी बैठक बसाइले। निष्पत्ति क्रमे आज 27 तारीख बुधवार और 28 तारीख गुरुवार दुई दिन सहर समस्त दुकान बजार बंद रहिब। करंजिया प्रतिनिधि बिंदु सर दास से संपर्क आलोचना आम सहित जोड़ी। बिंदु सर जहाँ सूचना आसुची जे आज मयूरभंज जिला करंजिया दुकान बजार पर गुड़िक दुई दिन बंद रहिब। नियति भाव में जो व्यवसायी संगठन रही निज पक्षर यह बंद पालन कर तेरे कौन अपडेट देवाक चाहिए। आज सुधा जहाँ अपडेट अच्छी 123 जन कोरोना आक्रांत से सब होम क्वारंटाइन में रोचे। अस्थायी केन्द्र में 13-14 जन मात्र रोचे। जो दुई दिन भितर तीनोटी मुंड गड़ी सारा निवेदिता। तेरे बिंदु सर जमी आप कहते जे पखापाखि 3 जन मुंडार गड़ सारा। विशेषकर आम जानते राज्य में वर्तमान स्थिति कौन कहीं कोरोना संक्रमित संख्या प्रतिदिन 6000 ऊर्ध आसिले। विशेषज्ञों मत मे 1-5 तारीख पिक पॉइंट रही है। इस समय संक्रमित 5000-10000 पखापाखि पॉजिटिव सामना को आसवे। तेणु आग को गोटे स्थिति भयावह जाऊँगी। तेरे ये जो निष्पत्ति नि केवल दुई दिन पाई ना आग को ए निष्पत्ति बढ़ा जाई पारे। देखो निवेदिता ये जो संक्रमण संख्या बढ़िवार लगला तेणु बणिक संघ निज आड़ जिलापा से अवगति करजिलापा अवगत कलापर उपजिलापा सम्मेलन कक्ष में सब प्रशासन अधिकारी मान सहित बैठक होता। बैठक पर निष्पत्ति दुई दिन लॉकडाउन घोषणा करा दरकार। दुई दिन लॉकडाउन घोषणा बुधवार और गुरुवार संपूर्ण करंजिया को बंद करने चेस्टा करने निवेदन करते। आज किसी विभिन्न संगठन और बणिक संघ तरफ पूरा
संपूर्ण बंद कर घोषणा करते आज देखा मिली समस्ते घरे रही स्वच्छ रुंतु से बार्ता आज समस्ते बंद करके बर्तमान करंजिया पूरा स्तब्ध हिसाब से रही कारण तीनटा मुंड गढ़ी सारे आहरी आगे गढ़ संभावना भी रही पाए कई मेडिकल ठीक रूपे व्यवस्था भी किसी ना डॉक्टर संख्या कम अच्छी आपंकर सहयोग करने लोक भी संख्या कम अच्छी तेणु लोके भयर बर्तमान रही करंजिया निहांती भाव में बहुत बहुत धन्यवाद विदुष दास आम करंजिया प्रतिनिधि संपर्क में आलोचना करते जहाँ से कहते आज मयूरभंज जिला करंजिया सहर दुकान बजार को दुई दिन बंद रखा सका छु अर्थात आज सका छु अठाई तारीख संध्या छटा जाए बंद घोषणा करा जाए कोरोना संक्रमण जेहेतु वृद्धि पाउछन्ते आरिपदरे तीन तीन मुंड गढ़ सारा जो व्यवसायी संघ पक्ष एक बड़ निष्पत्ति काकटपुर मां मंगला मंदिर परिसर में 144 धारा लागू छमुजात्रा 144 धारा जारी कला प्रशासन आज शेष चैत्र मंगलवार होइथिबारु मां मंगला छामुजात्रा अनुष्ठित होइथाय तबे कोविड कटकणारे छामुजात्रा करबा को प्रशासन पक्षरु निर्देश दिया जाइछि केवल मानसिक धारी और पूजकों उपस्थित में छामुजात्रा करा जिवो बिड़ को दृष्टि रखि मंदिर परिसर में 144 धारा लागू करा जाइछि पुणि थे मातिले एटीएम लुटेरा गंजाम जिला छत्रपुर स्थित इंडियन बैंक एटीएम रु शटर ताड़िले लुटेरा शटर ताड़ी एटीएम को मध्य भांगी सूचना मिली घटनास्थल में पुलिस संधानी कुकुर पहुंच तदंत करुचे तबे केते टंका लुट होई ताहा आकलन करा बैंक कर्मचारी आसिले ही जनापड़ केते टंका थिला एवं केते टंका लुट होई युवकों गोड़ाइ गोड़ाइ हाणिले युवक पुरी जिला गड़ीसागोदा थाना अंचल विभत्स हत्याकांड मृतक बरपदा गाँव दिलीप महापात्र कौन काम दिव्यसिंहपुर पंचायत ब्राह्मणपाटना जाते दिलीप जनिक युवक एक धारुआ अस्त्र आक्रमण जो घटनास्थल में दिलीप मृत्यु होता पूर्व शत्रुता को केन्द्रक हत्याकांड अभोग तेज हत्या पर रास्ता कड़े पड़ा दिलीप मृतदेह घटनास्थल में गड़ीसागोदा पुलिस पहंच शव जबत करने तदंत जारी रखी ब्रह्मगिरी प्रतिनिधि कालुचरण साहू आम सहित संपर्क में आलोचना जोड़ी कालुचरण जो अभावनीय चित्र सामना को आसुची प्रकृत में जो युवक को आक्रमण अर्थात जो युवक आक्रमण करकृत कारण कौन एवं क्यों समय घटना बर्तमान ताजा अपडेट कौन आस निश्चित भाव एजोबी भाव में घटना टी गत काली विलंबित रात घटी जहाक नहीं पूरा गड़ीसागदा अंचल गोटे चांचल्य सृष्टि जो युवक जनक रही दिलीप दिलीप महापात्र से कटुरी चोटर में मृत्यु होता जहां बर्तमान सूचना आँची और नाबालिका अपहरण मामलें गत किसी दिन पूर्व नाबालिका अपहरण होते अपहरण होगा घटन गड़ीसागदा थाना एक मामला रुजु होता ए मामलें दुई जन को गड़ीसागदा पुलिस गिरफ कर कोर्ट चलाण कर नाबालिका जन को डाक्तर माइना पर स्वाधीन गृह रखा जाए कि घटन दुई उभय गाँ पक्ष आलोचना करत रात जहां सूचना रही गत काली रात मान कहपर जी भी अभियुक्त मान रही युवती पक्षर दुई गोष्ठी आलोचना एक बैठक बसला बैठक बसला समय जो युवती जनक सहित एभली मान अत्याचार कर मानने अपहरण कर से ही युवक से ही युवती भेणई जी अच्छा जहां सूचना आसी पहुंची युवक युवती जनकर भेणई यही युवक को अतर्कित भाव में जेहतु कथा कटाकटी होता सभार कथा कटाकटी पर कटुरी चोटर में आक्रमण करते जहाँफल की रास्तार मृतदेह पड़ रही रातिर एक घटना जत खबर पाई युवक जनकर पर लोके दिलू महापात्र पर लोके खबर पाते से गाँव को से गाँव को पहुंचे और युवक जनकर रक्ताक्त अवस्था एक रास्ता कड़े पड़ चित्र देखा पाई घटना पर गड़ीसागदा पुलिस जनक अटक रखी पचरा उचरा कर शबटी को जबत करी सदर मुख्य चिकित्सा शव व्यवच्छेद पठा जाती किंतु ये घटना को यदि लक्ष्य करने को निश्चित भाव में गड़ीसागदा अंचल में गत काली आज पर्यंत गोटे प्रकार चांचल्य सृष्टि
କିଛି ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ବା ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୁବକ ଜଣକ ଯିଏ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସଭା ବସିଥିଲା ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା ଯୁକ୍ତିତର କହିଥିଲା ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଅପର ପକ୍ଷରେ ବା ଯୁବତୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ଯୁବକକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି ତେବେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ରିଆକ୍ସନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କାଳୁଚରଣ ଘଟଣା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କାହା ନାଁରେ ସେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସେଭଳି କିଛି ଯୁବକଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ପ୍ରବେଶ ମାନେ ବାହାରକୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହିଛି କି ଯାହା ଆମେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ସେମାନଙ୍କର ଦାବି କି ଯେହେତୁ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କର ଭିଣୋଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହାଣିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗଡ଼ିଶାଗଦ ଥାନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ସେଭଳି କିଛି ହୋଇନଥିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ଯାଇ ପୁରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ବା ଅଭିଯୋଗ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ନେଇଛି ଥାନାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ କି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାକୁ ନାହିଁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ କିଏ ବା ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଏ ଆକ୍ରମଣ କିଏ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କର ଭିଣୋଇ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ। ମୋ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିନିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ହାଣିଲେ ଯୁବକ, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗଡ଼ିଶାଗୋଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ପୋଲିସ ଆକଳନ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଯେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି, ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦିଓ ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ନାହିଁ, ତେବେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ଦାବି ରହିଆସୁଛି ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ପୁରା ସତ୍ୟାସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ। ଆଜିଠୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲରେ ନାମଲେଖା ହେବ, ଯାହା ଆସନ୍ତା ମେ 31 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନି ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ସବୁ ଡିଓ, ବିଇଓ ଓ ଡିପିସିଙ୍କୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ସକାଳ 7:00-9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମଲେଖା ଚାଲିବ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 5 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରବେଶ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଘରକୁ ଶବ ନେବା ପାଇଁ ମିଳିଲାନି ମହାପ୍ରୟାଣକାରୀ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 5 ବର୍ଷର ମୃତ ଶିଶୁକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ବୋହି ବୋହି ନେଲେ ମାମୁଁ ଓ ଆଈ। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବାଟରେ ଅଟକାଇ ବେସରକାରୀ ଶବବୁହା ଗାଡ଼ିରେ ଶବକୁ ଘରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ମୃତକ ହେଲେ 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁ, ସଦର ଥାନା ଭାଗିରଥିପୁର ଗାଁର ସଞ୍ଜୟ ଦେହୁରୀ। ଗତକାଲି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପରେ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମହାପ୍ରୟାଣ ନ ମିଳିବାରୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ନେଉଥିଲେ ମାମୁଁ ଓ ଆଈ। ମହାନଦୀରୁ ହୋଇଛି ମହାଲୁଟ୍। ନଦୀପଠାରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଉଠାଯାଇଛି ହଜାର ହଜାର ଟନ୍ ବାଲି। 5 ବର୍ଷ ଧରି ଖୁଲମଖୁଲା ହେଉଥିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହରିଲୁଟ୍, ଆଉ ସବୁ ଜାଣି ଅନ୍ଧଭଳି ଆଚରଣ କରୁଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ହେଲେ ଏବେ ବେଆଇନ ବାଲି ଖନନ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛି ଏନ୍ଜିଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଗସର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରିପୋର୍ଟ। ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନୂଆପାଟନା ବାଲିଘାଟ। ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ନୂଆପାଟନା ଗାଁର ସୁଧାକର ନାୟକ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 2015-2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ବର୍ଷିଆ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 14 ଏକର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖନନ ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ଅନୁମତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏହା ଯେ 40 ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜାଗାରୁ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିମାଣଠାରୁ ପ୍ରାୟ 3 ଗୁଣ ଅଧିକ। ସେଭଳି ବାର୍ଷିକ 20,000 କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାର୍ଷିକ 1,50,000 କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ଉପରେ ବାଲି ଖୋଳିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପାକଳ। ମୋର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ନୂଆପାଟଣା ଯେଉଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ଅଛି ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନୂଆପାଟଣା ଗାଁ ଅଛି, ସେ ନୂଆପାଟଣା ବାଁ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ବାଲିଘାଟ ଅଛି, ସେ ବାଲିଘାଟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା
से 16 एकर पर जगह दि लीज पर दिया से पाखापा 40 एकर जगार लीज लीज बाली उठाते दीर्घ 5 वर्ष दीर्घ 2015 उठाते अवधि सरी जाता 2020 जो लाइसेंस अवधि सरी जाता 20 21 पर्यंत से बाली उठे आर वर्षे बेनियम भाव उठाई तेणु एतिरे कोटि कोटि टंका से जो बाली उठाण बेन भाव में बाली उठेगी जितकी तांको लीज दिया दे लीज बाहर पाखापाखि 24 एकर जगार अधिका बाली उठेगी कोटि कोटि टंका से हड़प करछंती एवं सेतिपई जो एनजीटी अर्डर करछंती भल बहुत भल अर्डर टे करछंती अर्डर पर यार गोटे सुदूर प्रसार प्रभाव पड़ो एवं ओडिशा सरकार एवं जे भली भाव में तहसीलदार मैंने कोटि कोटि टंका लक्ष लक्ष टंका निज पॉकेट पूरे कि बेन भाव में बाली जो जो चोरा चालाण को माने आईन कर देछंती बेन को आईन कर देछंती यार तांकर प्रभाव पड़े एवं सरकार मु आशा करछि सरकार यहाँ पर तुरंत पदक्षेप नियंतु बाली उत्तोलन पई श्रमिकों सहायता रे बाली खोलिबा को अनुमति मिलथिबा बळी माफिया माने मशीन लगाई खनन कार्य करिछंती जहां फळरे नदी पठारे अनेक मात्रा रे क्षय होईछि एभले कि नदी भितर थिबा माटी पठा को मध्य संपूर्ण भावरे निश्चिन्न कर देइछंती जहां को नै स्थानीय ग्रामवासी प्रतिपाद जणाइथिले व जिला प्रशासन रो द्वारस्थ होइथिले किंतु कोनसी कार्यनुष्ठान हेला नाही एबे देखंतु 1 जनवरी 2019 रे गूगल मैप रो कैप्चर होइथिबा ए इमेज जेउथरे सैरात को लागिथिबा माटी पठा स्पष्ट भावरे जणा पडुछि आ 8 मई 2019 रे कैप्चर होइथिबा ए इमेज रे माटी पठा संपूर्ण गायब यहा छोड़ा सबुठु सांघातिक कथा हेउछि जे बाली उत्तोलन करबा पई महानदी रो गतिपथ मध्य परिवर्तन करा जाइछि 14 एकर बाली नीलाम से माने नेले दिजिले किंतु कालक्रमे से 14 एकर 40 रु 50 एकर बेन भए बाली से माने उठान करे आमे प्रतिवाद कलु से माने आमो कथा सुनिलेनि ये प्रतिवाद रो स्वर जाइकिना तहसील अफिस पहुँचला कलेक्टर पाखे पहुँचला कि दीर्घ दिन बहु बार कम्प्लेन करवा सत्वे आम कथा कहीं शुणिले नशुणा द्वारा कारण सरकार बल में क्या बल में नुह यहाँ प्रशासन बल में कारण तहसीलदार घंट घोड़े प्रशासन जे रे घंट घोड़े स्थानीय नेता मैंने भी घंट घोड़े जो नदी पठा गोटे थिला से पठाटा 2019 मे मस आड़कू जो सैटेलाइट इमेज आसते भी देखा से ऑलरेडी पठाटा काटि देछन्ते एवं से पठा काटिला बेले बे गाँव लोक ताकू नहीं कि अभियोग करते कि कौन से कार्यानुष्ठान है कहीं माटी पठा का नदी पठा काटापी कौन प्रकार अनुमति ना छाड़ला नदी जो माइनिंग करते वाटरटा को डाइवर्सन कर पानी दिग बदल से इनस्ट्रीम माइनिंग कर नदी जल भितर माइनिंग करटा भी अलाउ ना तेणु ये सबू विभिन्न कारण को दर्शेकी एनजीटी से मामलाटी दायर कराई 16 तारीख दिन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कालकाटा बेंच ताकू सुनानी करके समस्त पक्ष को नोटिस कर छाड़ी 5 जनिया गोटे कमिटी कर कमिटी आपणकर भारत सरकार परिवेश जंगल मंत्रालय जड़े वरिष्ठ वैज्ञानिक सेंट्रल पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जड़े वरिष्ठ वैज्ञानिक सिया स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी जड़े वैज्ञानिक एवं माइनिंग ऑफिसर कटक और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कटक ये 5 जनिया कमिटी गोटे कर 19 मे सुधा रिपोर्ट दाखल करने निर्देश रही यह भी कहते जदि एक्सेस माइनिंग होती तो एनवायरमेंटल कंपेनसेशन परिवेश क्षतिभरणा से जो मैंने वायोलेट कर आदाय करने डायरेक्शन रही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रे मामला दायर होता पिटीशन 16 एप्रिल 2020 तारीख दिन एनजीटी रो कलिकता बेंच सुनानी करी उभय पक्ष को नोटिस करिछंती मामलार पुंखानुपुंख जांच करबा पई एक 5 जणिया कमिटी गठन करिछंती एनजीटी तेबे संपर्क रे आसंता मे 19 तारीख रे परवर्ती सुनानी रहिछि कटक चौतारु अजित कुमार स्वाईं को सह भुवनेश्वर प्रदीप्त महापात्रक रिपोर्ट अर्गस न्यूज आसवा परवर्ती खबर को भारत को टीका तैयारी पई अमेरिका आवश्यक कंचामाल पठाइबो अमेरिका एही घोषणा परे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और युक्तराष्ट्र अमेरिकार राष्ट्रपति जो बाइडेन परस्पर सह फोन रे कथा होइछंती भारतर कोरोना स्थिति संपर्क रे मोदी विस्तृत भावे बाइडेन को कहिछंती बाइडेन मध्य भारतर एही घडेसंधि मुहूर्त रे समस्त प्रकारर सहायता करिवे बोली प्रतिश्रुति देथिबा जणा पडिछि मोदी ट्वीट करी कहिछंती बाइडेन को सह कथा होइछि आमे उभय देशर कोरोना स्थिति संपर्क में विस्तृत भाव आलोचना करिछु अमेरिका तरफ भारत को सहायता जोगाई दिया जाय थिपारु मु राष्ट्रपति जो बाइडेन को धन्यवाद जणाइछि।
ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିର ବିଶ୍ୱବିଚ ସାଉଦି ପ୍ରିନ୍ସ ମୋହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନ ଭିଜନ 2030ରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ସାଉଦି ଆରବ ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ। ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିର ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ସାଉଦି ପ୍ରିନ୍ସ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନଙ୍କର ଭିଜନ 2030ରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ସାଉଦି ଆରବ ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ। ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଯୋଗ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ସାଉଦି ଆରବ। ଭାରତରେ ବାମପନ୍ଥୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ଆଳରେ ଦେଶର ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବିପରୀତ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତଥା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇସଲାମିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସାଉଦି ଆରବରେ। ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମିଳିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତର ଶିକ୍ଷା। ସାଉଦି ଆରବର ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପ୍ରିନ୍ସ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନ ଯେଉଁ ଭିଜନ 2030ର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଇତିହାସ ଓ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ମାନବ ସଭ୍ୟତାକୁ ଭାରତର ରାମାୟଣ ମହାଭାରତର ମହନୀୟ ଅବଦାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଦୁଇଟି ମହାକାବ୍ୟ ସହିତ ଭାରତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ସାଉଦି ଆରବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭାରତର ଯୋଗ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିମାଣରେ ସେଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସାଉଦି ଆରବର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗଗୁରୁ ନୌଫ୍ ଅଲ୍ ମାରୱାଇ। ଭାରତ ତରଫରୁ ସମ୍ମାନଜନକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗଗୁରୁ ଅଲ୍ ମାରୱାଇ ତାଙ୍କ ପୁଅର ସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିବା ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଏକ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଏବଂ ଭାରତର କର୍ମଯୋଗ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ସାଉଦି ଆରବର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମାଜ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଉଦାର ଓ ସହିଷ୍ଣୁ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୋଗଗୁରୁ। ତେବେ ଏ ବାବଦରେ ସାଉଦି ଆରବ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କୁହାଯାଇଛି ଦେଶକୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ, କୁଶଳୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷ କରିବାକୁ ହେଲେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏବେ ସାଉଦି ଆରବରେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନକୁ ଏଠି ସରିଛି। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।